मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक काम करते हैं ना, इसे हम घर लेके चलते हैं। हाँ, और डॉक्टर को भी वही बुला लेंगे। काकू सोच के बोलो, क्या बोल रही हो आप? इसको घर ले जाएंगे और जब घर में पता चलेगा कि हम दोनों से ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। काकू हम इसे घर नहीं ले जा सकते। लेकिन शिखा, इस तमाशे के डर से हम इसे यहीं पे छोड़ के नहीं जा सकते ना। पुलिस के सुनने से तो अच्छा है कि हम इसे घर लेके जाए ना, ये रिस्क ले सकते हैं हम लोग। सुन, अक्का साहब भी थोड़ी देर बाहर गई है और हमारे राव साहब वो भी मुंबई में है, तो इसे घर लेके चलते हैं जल्दी से। देख, हम ज्यादा सोच मत, हमारे पास टाइम नहीं है, उठा इसे, चल जल्दी उठा। काकू प्लीज डोंट माइंड, लेकिन गाड़ी अब मैं ही चला लूं? हाँ हाँ, तू ही चला, तू ही चला। काकू घर आ गया। काकू एक काम करते हैं, इसे ना मेरे कमरे में ले चलते हैं, वहां कोई नहीं देखेगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही कर। शिखा अंदर जाके देख ना, कोई है तो नहीं ना? हाँ काकू मैं देखती हूँ, आप इसे देखो। लड़की क्या करो, सांसें तो चल रही है। अच्छा उठना, आगे खोल, आगे खोल ना। अरे काकू, काकू घर में कोई नहीं दिख रहा है, चलो इसे मेरे कमरे में ले चलते। हाँ हाथ लगा, चल रुक 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 रुक, मैं आ रहा हूँ। हाथ लगा, चल आ जा। हाँ हाँ, अरे आ जा भगवान। आराम से काकू, आराम। इसका बदन ना बहुत बुरी तरह तप रहा है बुखार से, मैंने आपको कहा था इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ इसे हॉस्पिटल ही ले चलते। अरे लेकिन डॉक्टर को बुला रहे ना हम लोग। हाँ देख, तू घबरा मत, मैं हूँ ना। हाँ चल 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 जल्दी चल, लेके चल, धीरे धीरे। इसे तो 104 बुखार है। क्या शिखा, एक काम कर, ठंडा पानी लेके आ और नैपकिन भी ला, ठीक है? ठंडे पानी की पट्टियां रखेंगे ना तो बुखार कम हो जाएगा। चल चल जल्दी, मैं लाती हूँ। हे पापा, इसके ठीक होने तक अक्का साहब को मत भेजना प्लीज। शिखा कहाँ पे रह गई? काकू आ गई बस। अच्छा लाई, ये लो रख। शिखा इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। अब हमें ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तू एक काम करना, फैमिली डॉक्टर को बुला ला। बुला लूं? फोन पे ही पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं शिखा भोसले बोल रही हूँ। जी कहिए। डॉक्टर साहब मुझे आपसे पूछना था, अगर किसी को 104 बुखार हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? किसे बुखार हुआ है जी? हेलो, डिस्चार्ज हो गया। ओह नो, क्या हुआ? इसे भी अभी ऑफ होना था। काकू जल्दी से अपना फोन दो। मेरा फोन दो ना जल्दी। मेरा फोन? अरे शिखा जल्दी जल्दी, मैं कार में ही भूल आई। पैनिक नहीं करते, मैं इसी को चार्ज कर लेती हूँ और जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन लगाती हूँ।
डॉक्टर साहब मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो, नमस्कार अक्का साहब, घर पे कौन बीमार है? अरे नहीं, देवा की कृपा है भाई, क्यों बीमार होगा भाई? अभी अभी शिखा जी का फोन आया था, वो बता रहे थे कि घर पे किसी को 104 डिग्री फीवर है। वो बताने वाली थी किसको फीवर है, लेकिन तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। और मैं उन्हें बार बार फोन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। अच्छा अच्छा, वो दरअसल मैं काम से बाहर गई थी, अभी घर पहुंची हूँ। अब मैं पूछती हूँ और आपको वापस कॉल बैक करती हूँ। कोई ज्यादा बीमार हो तो तुरंत आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। घर में कोई बीमार है और मुझे पता नहीं। शिखा, देवा रे देवा, अक्का साहब आ गई, अब क्या होगा? शिखा, अक्का साहब आप क्यों आई? आप कब आई? आपको कुछ चाहिए? मैं कुछ लाऊं आपके लिए। तुमने डॉक्टर साहब को फोन किया था? उनका फोन आया था, कह रहे थे घर में कोई बीमार है, 104 बुखार है। बुखार? अरे ठीक से बताओ। शिखा, काकू, अस्मिता काकू को बुखार है। तुम दोनों अभी अभी मंदिर गई थी ना, तब तो वो ठीक थी, अचानक बुखार कैसे हो गया? हाँ कसम, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अस्मिता काकू को अचानक ये बुखार क्यों आ गया, इसलिए मैंने वो डॉक्टर को फोन किया था। हाँ हाँ, चल चल देखते हैं। हाँ अक्का साहब, आप अभी आ रही हैं बाहर से, आप थक गई होंगी, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं देख लेती हूँ। हेलो, हाँ साहब, ओला आए मरते हैं। ओहो काकू, अरे आप जल्दी से अपने रूम में चलो। अरे लेकिन अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है, क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या किया तूने? अक्का साहब को मैंने कह दिया कि बीमार आप हो, 104 बुखार आपको है। क्या? अक्का साहब आई है? और तूने ऐसा क्यों बोला उन्हें? वो मेरा फोन ऑफ हो गया था ना, तो डॉक्टर साहब ने अक्का साहब को फोन कर लिया, और अक्का साहब जब सामने खड़े होकर मुझसे पूछ रही थी तो मैं बहुत डर गई थी, और डर के मारे मैंने झूठ बोल दिया। अब चलो। अरे लेकिन इस लड़की को ऐसे लोन छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? लोन नहीं, अलोन होता है। अरे वही शिखा, इतनी सारी गलतियाँ की है हमने, तो मेरे इस गलती के लिए अब टाइम नहीं है हमारे पास। तो यही मैं भी कह रही हूँ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, चलते चलते बात करो। आ जाओ बस, चलो अपने रूम में जाओ। अरे साहब आती होंगी, आप बस जल्दी से ले जाओ। शिखा शिखा सुनना, आइकुन तक है नमाज जरा, वो लड़की अभी भी हमारे घर पे है ना, तो ये बात कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगी, तो इससे अच्छा ना हम सच बोल देते हैं, ये तो आगे चल के ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तू समझ रही है ना मेरी बात? काकू वो सब ना हम बाद में देखेंगे, अभी आप प्लीज बस मेरी बात मानो, प्लीज आप बस लेट जाओ, लेट जाओ काकू। अरे हाँ काकू, कितनी आप अच्छी बात, मैं अनुमान के बहुत बस। देखो अभी आप लेट जाओ और मैं आपको ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ। अप्पा, अब क्या हुआ? काकू वो ठंडे पानी की पट्टी मेरे ही कमरे में रह गई, आप ये लेटी रहना, मैं बस लेके आती हूँ। ठीक है। शिखा, पता नहीं ये शिखा ने फोन किया भी है कि नहीं डॉक्टर को, मुझे ही पूछना पड़ेगा। अक्का साहब मेरे कमरे में क्यों जा रही है? अक्का साहब, हाँ आपका कुछ है था, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। तुमने डॉक्टर को दोबारा फोन किया? अस्मिता की तबीयत कैसी है? काकू को वो बुखार 104 और वो अस्मिता, तुम यहाँ, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अस्मिता नहीं, कैसे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो तो फिर शिखा ने डॉक्टर को फोन क्यों किया था? शिखा झूठ कहा मुझसे? अक्का साहब वो मैं बता दी अक्का साहब के, आज हम दोनों मंदिर गए थे, लेकिन लौटते वक्त मेरे गाड़ी के सामने अचानक, मतलब अचानक एक लड़की आ गई और वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ, मेरी गाड़ी से टकरा के उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शायद घबरा गई और फिर आगे बताओ। वो बेहोश हो गई थी इसलिए हम उससे घर ले आए, डॉक्टर साहब को जो फोन किया था मैंने उसी के लिए किया था। ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मतलब तुम दोनों एक काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? कहाँ है,
वो लड़की कहाँ है? कहाँ है? शिखा के कमरे में। तुम दोनों के पास अगर दिमाग नहीं तो चलाती क्यों? किसी भी राह चलती लड़की को घर में लेकर आओगी तुम? अरे ठीक से मिक्सी नहीं चला सकती तुम किचन में, गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर कहाँ था? अक्का साहब वो क्या? एक शब्द नहीं सुना है मुझे। ये जो रायता फैला के रखा है ना, उसे मुझे ही देखना पड़ेगा। अगर यहाँ ऐसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम दोनों में अकल तो है नहीं, कम से कम पूछ लिया करो। इसे यहाँ लाने से पहले एक फोन कर लेती मुझे। कौन है ये लड़की? नाम क्या है इसका? बेहोश हो गई थी बेचारी, तब से होश ही नहीं आया इसको। शिखा मैं पूछ क्या रही हूँ, तुम जवाब क्या दे रही हो? अरे उसके पास वो होगा ना, वो बैग या पर्स या कुछ, जरा देखो उसमें, चेक करो उसका आता पता होगा, आईडी होगा, चेक करो। बैग है, गाड़ी में ही रखा है। पंडित को फोन करूं, मुहूर्त निकलवाऊं? जाओ जाकर लेकर आओ बैग। हाँ जी अक्का साहब, मैं भी ला चुकी। तुम दोनों के भरोसे एक दिन में घर छोड़कर नहीं जा सकती, पता नहीं पीछे क्या कांड करके रख दो। से चोट वोट लगी है क्या? हाँ छोटी सी चोट है हाथ पर, बाकी कुछ पता नहीं। अब उसे होश आ जाएगा तो पता चल जाएगा ना अक्का साहब, लेकिन बहुत तेज बुखार है उसे। तू चेक कर। हाँ शिखा, क्या नाम है इस लड़की का, कहाँ रहती है, कुछ पता चला? बैग चला गया। बैग चला गया मतलब? ड्राइवर गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ले गया और बैग उसके साथ ही चला गया। अरे बुखार कम हो गया, अब सिर्फ 103 ही है बस। 103 बुखार कम होता है? ये बेवकूफ जैसी बातें करना बंद करो तुम दोनों। सर इसकी हालत देखो, अभी के अभी डॉक्टर साहब को फोन करो और बुलाओ, ऐसे घर में इलाज नहीं होगा इसका। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम इस घर की इज्जत का तो ख्याल करो। गलती मेरी है, मुझे नहीं भेजना चाहिए था तुम दोनों को बाहर, तुम दोनों आजादी के लायक ही नहीं हो। सॉरी अक्का साहब, मुझे भी माफ कर दीजिए, इसकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सॉरी सॉरी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का, अचार डालूं? ये जो रायता फैलाया ना तुम दोनों ने, इसे मुझे समेटना पड़ेगा। ये उठकर पुलिस केस करेगी तुम दोनों पर, कहेगी कि गाड़ी चढ़ा ली उस पर, तो क्या करेंगे हम? अक्का साहब जहाँ तक मुझे याद है काकू ने बस इमरजेंसी ब्रेक मारी थी, बहुत थोड़ी सी टक्कर हुई थी। इस लड़की को पहले से ही बुखार था, ये बुखार की वजह से ही बेहोश हुई। तुम डॉक्टर हो? मुझे तो पता ही नहीं था। डॉक्टर नहीं अक्का, बकवास बंद करो। तुम लोगों को जो करना था वो तुम लोगों ने कर लिया, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। क्या हुआ? कौन है ये लड़की, समझती क्या है अपने आप को? एक तो ईमानदारी से मैं उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लड़की मुझे ही लेक्चर दे रही है। अरे किसने ब्रेन वॉश किया है भाई इसका, क्या सुन के आई हमारे बारे में ये? ईशान प्लीज ठीक ठीक बता, बात क्या है? तूने बाकी के स्टूडेंट से बात की, क्या पता चला? अरे अक्का साहब क्या ही पता चलेगा जब हमारा खुद का सिक्का ही खोटा होगा। मतलब? मतलब ये कि मैंने सारे स्टूडेंट्स की मीटिंग बिठाई और सारे स्टूडेंट्स को मैंने पूछताछ की, उसके बाद ये पता लगा कि सभी जो थी वो सच बोल रही थी और हमारी दुर्वा ने ही उसे क्लासरूम में बंद किया था। बताओ तो क्या कह रहा है, दुर्वा ऐसा नहीं कर सकती? अरे हाँ अक्का साहब,
ये हमारी लड़कियों का ही किया धरा है। अनवी और दुर्वा दोनों ने मिलके मुझे झूठ बोला है और उन दोनों की वजह से सवी के सामने मुझे सर झुकाना पड़ गया। इतना ही नहीं अक्का साहब, सवी ने वो आयुष बर्वे, क्या बोलूं आपको, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया। आयुष, आयुष बर, नहीं नहीं आयुष ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा लड़का है ही नहीं। वो तो बहुत अच्छा लड़का है, हम उसके परिवार को जानते हैं ना, वो नहीं कर सकता ऐसा। हालांकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं है, लेकिन अक्का साहब आप उस लड़की को अच्छी तरीके से जानती हैं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। हालांकि मैंने पूरे क्लास के सामने सबको वार्निंग दी, सबके 10-10 मार्क काटे, लेकिन वो लड़की खुश होने का नाम नहीं ले रही। उसे तो ऐसा लगता है कि उसे इंसाफ मिला ही नहीं है, उसे बस ये लगता है कि मैं अनवी और दुर्गा को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनकी वजह से सभी को हमें परेशान और बदनाम करने का अच्छा खासा मौका मिल गया। बाकी क्या रह गया है, कॉलेज में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। जिस स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की उसे सजा दे दी ना तूने, माफी मिल गई ना उसे, तो बस खत्म करो बात। अरे इंसाफ के लिए कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को फांसी पर चढ़ा दे, मुझे तो लगता है कि ये लड़की जो है बहुत ही सर फिरी है, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, कभी भी कुछ भी कह सकती है। ईशान तू ज्यादा मत सोच। अरे कैसे नहीं सोचूं मैं अक्का साहब, आपको पता जाते जाते क्या कह गई मुझसे वो, कि मैं अपनी बहनों के खिलाफ जाके उसे इंसाफ दिला पाऊंगा क्या? अब वो मेरी ईमानदारी पे शक करेगी, मेरे कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके उसूलों पे शक करेगी। उसे क्या लगता है मैं हमारे कॉलेज पर दाग लगने दूंगा? इतनी बड़ी बात को मैं नजरअंदाज कर दूंगा? ईशान देख तू है ना, शांत हो जा। देख तेरे काका साहब आएंगे ना, सब संभालेंगे, और वैसे भी वो लड़की हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। हेलो ताई, सभी सभी तू कहाँ है? एक तो तेरे पास तेरा फोन भी नहीं है और तू कह रही थी ना मुझे किसी ना किसी के फोन से फोन करेगी, फिर क्यों नहीं? अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता तू डॉक्टर के पास गई थी? तबीयत कैसी है अब तेरी? हाँ फीवर तो नहीं है ना तुझे अब? सभी पता है तूने ना मेरी जान ही निकाल दी थी, मैंने सारे पड़ोसियों को फोन करके पूछ लिया फिर भी तेरा कोई अता पता नहीं चला। ताई आप प्लीज परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बता तू कहाँ है अब? ताई वो मैं डॉक्टर के पास जा ही रही थी कि वीकनेस के कारण मुझे चक्कर आ गया और एक गाड़ी से टक्कर हो गई। क्या तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? मैं अभी क्या किरण को बोलती हूँ कि मुझे वापस पूना ले चले, तू डॉक्टर के पास जा। नहीं नहीं ताई आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे चोट नहीं आई है ताई। और जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी ना, बहुत अच्छे लोग है वो, मुझे अपने घर ले आए और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, पर अब तो मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। तू सच कह रही है ना? तू ठीक है ना? हाँ हाँ ताई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। आप ये बताइए कि काका काकी आ गए घर पे? नहीं सर अभी वो ना आई के गाँव गए। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ना कल सुबह ही चाबी वाले को भेज के डुप्लीकेट चाबी बना लूंगी घर की, बस कैसे भी करके आज रात अपना ख्याल रख सभी, और कोई भी बात हो ना मुझे फौरन फोन करना तू। ठीक है ताई। अब क्या करूं, इन्हीं से पूछ लेती हूं कि आज रात को रुक जाऊं क्या यहां पे? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।